अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में, बहुत ही मज़ेदार का इनका यहाँ का एनवायरनमेंट है। चलते हैं, वहाँ का फूड एंजॉय करते हैं और देखें तो सही आए कहाँ हैं हम। यू इब्ने बतूता बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है, आइए चलते हैं, आपको भी एक टूर करवाते हैं। आ गए हैं हम इस मज़ेदार से रेस्टोरेंट के अंदर और आप देख सकते हैं कि हर जगह पे इन्होंने वाटरफॉल दिया हुआ है, इतना हसीन, इतना प्यारा। उफ़, मैं तो इंतज़ार ही नहीं कर पा रही हूँ ऊपर जाने का, इतना प्यारा प्लेस है ये, किसी भी फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, हर तरह की गैदरिंग के लिए। अभी तो मैं आपको इनका वेटिंग एरिया दिखाती हूँ, ये है इनका वेटिंग एरिया जो कि बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही एंटीक है। सो ऊपर चलते हैं, हम जा रहे हैं ऊपर और देखते हैं ऊपर का क्या निज़ाम है। बहुत ही मज़ेदार सा इन्होंने स्टेयर्स का लुक दिया हुआ है, ज़बरदस्त माशाल्लाह। यहाँ पे आज एक बहुत ही यूनिक रेस्टोरेंट में और बहुत ज़बरदस्त किस्म की जगह है यहाँ पे, और इसके नाम की तरह आई थिंक इब्ने बतूता एक तारीखी शख्सियत है, तो इसलिए भी यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो इस तरह से बनाया गया है कि थोड़ा सा कदीम टच देने की कोशिश की गई है। सो ये इस रेस्टोरेंट का बार है, यहाँ पे जो है आपको जितनी भी ड्रिंक्स हैं यहाँ पे वो आपको अवेलेबल हैं, मिल जाएंगी, और बहुत अच्छा किस्म का बार बनाया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं इब्ने बतूता की ऊपर वाली जगह पे, तो देखते हैं मज़ीद यहाँ पे और क्या क्या है, यहाँ का एनवायरनमेंट किस तरह का है। सो यस, ये अब हम आ चुके हैं इस रेस्टोरेंट के बिल्कुल टॉप पे, और अगेन बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट मिला हमें यहाँ पे भी, और काफ़ी फैमिली आई हुई, अच्छा खासा रश है यहाँ पे, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे खाना और एनवायरनमेंट दोनों चीज़ें बहुत बेहतरीन हैं, बहुत अच्छी हैं। तो अच्छा, यहाँ से आप नीचे भी देख लें यहाँ पे ये रेस्टोरेंट कैसा है, यहाँ पे यहाँ का एनवायरनमेंट। सो अब हम देखते हैं इनका मेन्यू कैसा है, क्या है और खाना कैसा है, यहाँ की स्पेशल चीज़ क्या है या बहुत ज़्यादा पसंद करने वाली। और मैं बताती चलूँ, ये है वजाहत जिन्होंने हमें बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड की और बेहतरीन एक्सप्लेन किया, इतनी चीज़ों में डिसाइड करना मुश्किल था। हम क्या खा रहे हैं बाकी बताओ क्या खाना। और हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए हमने इन्हीं से पूछा और इन्होंने हमें बताया मटन दस्ती के बारे में। मटन दस्ती, मटन रिब, इसके अलावा जो है ना मटन दस्ती हमारे पास, मतलब 1.25 kg मीट होता है, प्योर मटन होता है, उसमें ये है कि 3 पर्सन आराम से शेयर कर सकते हैं, क्योंकि राइस के साथ मटन दस्ती में मटन का गोश्त होता है, प्योर दस्ती होती है, उसके साथ राइस के साथ सर्विंग होती है, 2 से 3 पर्सन आराम से शेयर कर सकते हैं उसमें। इसके चार्जेस हैं 2.8। ये इसके अलावा जो है मटन रिब्स हैं, उसके बाद बारबेक्यू में चीज़ी टर्किश कबाब है, एक हमारा कबाब है, उसमें 2 सीखें होती हैं 250 ग्रामेज के, उसमें मैं मतलब ये है कि मैक्सिमम सिंगल पर्सन सर्विंग होती है, बंदा आराम से खा लेता है, उसमें चीज़ की मैरिनेशन होती है। फूड का इंतज़ार बहुत बुरा होता है, जब तक फूड नहीं आ जाता हम इनके म्यूज़िक को इंजॉय करते हैं और मिलते हैं आपसे फूड आने के बाद। हियर वी गो, आ गया हमारा कैरेगॉन चिकन विद मैश पोटैटो एंड फ्राइज।
करते हैं। अल्लाह हाफिज़।